नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पूर्णिमास बिट्स एंड बाइट्स पर। आज मैं चिली चिकन बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने प्याज थोड़ा बड़े टुकड़े में काट ली हूँ। लहसुन, मिर्च, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन को मैंने काट लिया है। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसमें मैंने लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट डाला है, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और सोया सॉस, और मैंने कॉर्नफ्लावर 4 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा भी डाला है। अब इसे अच्छे से मैरिनेट करके मैंने इसे 1-1.5 घंटे के लिए मैं रख दूंगी। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुकी है, तब चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। सभी पीसेस को इस तरह पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। सभी चिकन पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। मैंने तेल को भी थोड़ा कम कर लिया है। ये चिकन मैरिनेटेड मसाले हैं, तो इसे मैं पहले इस तेल में डाल दूंगी। इसे थोड़ा फ्राई कर लूंगी। अब इसमें लहसुन को डाल दूंगी। ये जब तक फ्राई हो रही है, मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इसे मैं पानी डालकर घोल लूंगी। अब मैं इसमें बाकी के वेजिटेबल्स भी डाल दूंगी। अब डालूंगी नमक। मैंने चिकन में भी नमक पहले डाला था। 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून टोमेटो सॉस, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। इसमें अब मैं डाल दूंगी चिकन के पीसेस को। आज मैं इसे थोड़ा ग्रेवी बनाऊंगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। नमक थोड़ा और ऐड कर लेना है। नमक आप देखकर ऐड करें, मैं थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने नमक फिर थोड़ा ऐड कर लिया। अब कॉर्नफ्लावर को इस पर इस तरह पोर कर लें, अच्छी तरह मिक्स करें। बस इसे थोड़ा पका लेना है और ये हल्की सी ग्रेवी वाली चिली चिकन तैयार। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।